नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज का दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि चंद्रयान 3 पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रमा पर आज ही के दिन उतरा था। केंद्र सरकार ने इस साल से हर 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो दो और चंद्र मिशनों यानी चंद्रयान 4 और 5 की तैयारी में जुट गया है। पहले अंतरिक्ष दिवस के कल्टन रेजर के अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 एक प्रमुख उपलब्धि थी और अब चंद्रयान 4 और 5 का प्रक्षेपण किया जाएगा। एक साल पहले भारत चंद्रमा पर यान उतारने वाला दुनिया का चौथा और इसके दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर उतरने वाला पहला देश बना था। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन की तैयारी में जुटा है। चंद्रयान 4 का लक्ष्य चंद्रमा से महत्वपूर्ण नमूनों को वापस लाना है, जबकि चंद्रयान 5 जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के सहयोग से चंद्रमा के छाया वाले क्षेत्रों का पता लगाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मंगलवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी ने अगले चरण के चंद्र मिशन चंद्रयान 4 और 5 के लिए डिजाइन पूरा कर लिया है और इस सिलसिले में सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया हो रही है। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की सतह पर सहजता से उपकरण उतारने के बाद पृथ्वी के इस उपग्रह की चट्टानों और मिट्टी को धरती पर लाना, चंद्रमा से एक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करना, चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग का प्रदर्शन करना और नमूनों को वापस लाना शामिल है। इसरो के अधिकारियों ने कहा था कि चंद्रयान 4 मिशन का लक्षित प्रक्षेपण वर्ष 2028 है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने ये भी कहा है कि अंतरिक्ष एजेंसी अगले 5 वर्षों में 70 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की योजना बना रही है, जिसमें सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा के एक उपग्रहों का समूह भी शामिल होगा।